हेलो स्टूडेंट्स कैसे बढ़िया फर्स्ट क्लास जी सर आज हम लोग अपना एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है जीएसटी नाम तो सुना ही होगा और इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाम पहले याद रखें नाम में भी काम है और नाम है इसका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब ये हम लोग जीएसटी पढ़ने जा रहे हैं फिलहाल मैं एक्ट को थोड़ी देर के लिए मैं यहां से हटा देता हूं तो गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स हम लोग देखने जा रहे हैं ये है क्या उसके बारे में सुनते हैं हम लोगों ने ये देखा है दे आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस दो तरह के टैक्सेस होते हैं फर्स्ट वन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्सेस एंड द सेकेंड वन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस पहला ही क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता होगा आखिर टैक्सेस हम पे करते क्यों हैं अच्छा दूसरा सवाल ये आता होगा सर जिस दिन हम कमाने लगेंगे ना उस दिन से टैक्स पे करेंगे अभी तो हम लोग बिंदास हैं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं हमारे ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं कि हम लोगों को टैक्स का पेमेंट करना पड़े बिल्कुल नहीं है जिम्मेदारी आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है आप कभी आज तक कोई टैक्स पेमेंट नहीं किए हैं और जब तक आप कमाएंगे नहीं तब तक तो कोई टैक्स आपको पे नहीं करना नहीं ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है आपने बचपन से लेकर आज तक लाखों रुपए टैक्स के नाम पर उड़ा दिए आपको पता ही नहीं। आपको पता ही ही नहीं, नहीं आपको कि आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया और अभी भी कर रहे हैं अभी भी जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना एट स्टिल यू आर पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्सेस रेगुलरली एंड कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली ऐसा नहीं है कि किसी भी समय जब आप कुछ भी खर्च करें तो आप टैक्सेस का पेमेंट ना करें आप अगर इस मोबाइल को भी लेने जाते हैं किसी भी चीज को लेने जाते हैं तो वहां पर लिखा जाता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस इट मींस वेन एवर यू आर पेइंग फॉर एनी थिंग यू आर पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू आप किसी भी चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं you are just paying the amount only for the purpose of consumption of the commodity you are paying the amount of taxes also सर ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था बिल्कुल ठीक है जैसे ही एक बच्चा इस जीवन में आता है मतलब जिंदगी पाता है उस समय से वो टैक्स देना स्टार्ट कर देता है कोई भी बंदा जो इस लाइफ को पाता है वो इन द सेम मोमेंट ही स्टार्ट टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड टेल ही लाइज जब तक वो जीता है तब तक वो पे ऑफ करता है टैक्सेस का चाय पीते हैं तो टैक्स लगता है खाना खाते हैं तो टैक्स लगता है ऑटो में बैठते हैं तो टैक्स लगता है रेलवे में बैठते हैं तो टैक्स लगता है रोड पर चल रहे हैं तो टैक्स लगता है सिनेमा देख रहे हैं तो टैक्स लगता है टीवी देख रहे हैं तो टैक्स लगता है अरे पानी पीते हैं तो टैक्स लगता है घर पे बैठे हैं तो टैक्स लगता है हाउस टैक्स रोड टैक्स वाटर टैक्स इसके अलावा कई तरह के टैक्सेस हर समय टैक्स आपको देना पड़ता है ये टैक्सेस तो कुल मिलाकर जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा सर जब हम लोग तो अभी बिंदास हैं कोई दिक्कत नहीं है टैक्स नहीं दे रहे ऐसा तो नहीं लेकिन हाँ जब कमाएंगे तो टैक्स देंगे उस टाइप के, की यानी कि दो तरह के टैक्सेस आप देते हैं एक जो दिखता है जो आपको मालूम है यानी टाइप्स ऑफ टैक्सेस की अगर हम बात करें तो दो तरह के टैक्सेस आप पे ऑफ करते हो एक को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स एक है डायरेक्ट टैक्स नाम है प्रत्यक्ष कर दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स नाम है उसका अप्रत्यक्ष कर हिंदी अगर आपको समझ नहीं है तो ठीक है बल्ले बल्ले नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स नाम से ही पता चल रहा होगा जो मैंने अभी आपको बताया ना कहानी वो इनडायरेक्ट टैक्स और जो आपको मालूम है कि आप जब कमाएंगे तब आप टैक्स देंगे दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स चलो थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ सर जी अब ये बताइए सर टैक्स हम देते क्यों हैं चलिए बात करते हैं टैक्सेस के बारे में वाई टैक्सेस टैक्सेस क्यों ये एक फैमिली है ये घर है इसमें एक दो तीन चार पांच लोग रहते हैं ऐसा छह हो गए ये छह लोग इस घर में रहते हैं ये एक कमाता है ये एक बंदा कमा रहा है लेकिन ये पूरी फैमिली उस कमाने वाले बंदे के ऊपर डिपेंड रहती है कंप्लीट फैमिली उस कमाने वाले बंदे पर डिपेंड रहती है अगर वो कमाने वाला बंदा बढ़िया से कमाएगा तो बाकी लोग भी बढ़िया से रह पाएंगे अगर कमाने वाला बंदा बढ़िया कमाएगा ज्यादा कमाएगा तो ये लोग प्रोटीन विटामिन न्यूट्रिशंस मिनरल्स इन सब का कंजम्पन कर पाएंगे और घर हेल्दी और वेल्दी माना जाएगा अच्छा अगर घर में जितना ज्यादा पैसा होगा लोग उतना ज्यादा खर्च भी कर पाएंगे जितना ज्यादा वो खर्च कर पाएंगे एक्सपेंस कर पाएंगे स्पेंड कर पाएंगे उतना ज्यादा उनका वेल्थ भी बढ़ेगा सेम यही सिस्टम हमारे देश यानी कंट्री पर भी एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट है जिसका काम होता है इस पूरे कंट्री को ऑपरेट करना रेगुलेट करना और उसको प्रॉपर तरीके से रन करना हम प्रजा हम पीपल वी पीपल आर और यू कैन से द गवर्नमेंट इज द माई बाप ऑफ ऑफ द पीपल ये गवर्नमेंट जो है ना वो आम जनता के लिए उसकी माई बाप है अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो वो चाहेगी कि उसके फैमिली के मेंबर हेल्दी और वेल्दी हो गवर्नमेंट यह चाहेगी कि उसकी पब्लिक हेल्दी हो जब वो हेल्दी होंगे तो वो देश पर बोझ नहीं बनेंगे जब वो हेल्दी होंगे तो एफर्ट्स करेंगे देश की डेवलपमेंट में अगर लोग वेल्दी होंगे तो देश में उतना एक्सपेंडिचर या कह सकते हैं कि उनका कंजम्पशन पावर बढ़ेगा तो जितना हेल्थ और वेल्थ बढ़ेगा गवर्नमेंट को उसका फायदा है आप देखे होंगे प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं आपको बात बोलूं तो जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसके पैदा होते ही गवर्नमेंट कहती है कि भैया देखो पोलियो की वैक्सीनेशन करवा लो ऐसे लोगों की जो बच्चे पैदा होते हैं उनका पोलियो का वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है और आजकल तो वो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है एक समय था जब उसके लिए अपोज किया जाता था या पोलियो की वैक्सीनेशन के लिए लोग डरते थे लेकिन अवेयरनेस आई अब लोग खुद ले जाते हैं कि हमें अपने बच्चे को पोलियो की वैक्सीनेशन या पोलियो ड्रॉप्स पिलानी है अच्छा पोलियो ड्रॉप्स पिलानी है या वैक्सीनेशन करवाना है डिफरेंट हेपेटाइटिस वगैरह का वैक्सीनेशन होता है ये सारी चीजें क्यों गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट को मालूम है कि यही बच्चे आगे अगर चलकर बीमार हो जाते हैं किसी डिसीज से अफेक्टेड हो जाते हैं तो वो अपनी फैमिली के साथ साथ देश के लिए भी एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बर्डन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो क्यों हम उनको इस कंडीशन में जाने दें हम उनको फ्री में पोलियो ड्रॉप्स देंगे कंसेशनल या सब्सिडाइज वैक्सीनेशन करवाएंगे जब वो स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो हम उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे अगर कभी कोई बीमार पड़ेगा कोई भी बंदा बच्चा ही नहीं कोई भी बंदा तो हम उनको मेडिकल कॉलेजेस या सिविल हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज या एम्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे देखिए ना गवर्नमेंट हर जगह हर पल आपके साथ है जो लोग जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है तो गवर्नमेंट उनके लिए रैन बसेरा भी अवेलेबल करवाती है ताकि वो ठंड में प्रॉब्लम में ना आए तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोगों की हेल्प की या कह सकते हैं अपने पीपल या अपने पब्लिक की हेल्थ और वेल्थ की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम किया अच्छा अगर घर के लोग कमाऊ हैं अब इस फैमिली में बहुत लोग हैं लाखों और करोड़ों लोग हैं गवर्नमेंट माई बाप है तो ये सारे जो करोड़ों वन थर्टी फाइव वन फोर्टी करोड़ जो हैं, वो उस गवर्नमेंट के अंडर में है गवर्नमेंट उनकी माई बाप है अब गवर्नमेंट को इन वन थर्टी फाइव या वन फोर्टी करोड़ पीपल्स को देखना है मैनेज करना है उनकी हेल्थ और वेल्थ के लिए उनको प्रॉपर रोड्स की फैसिलिटीज देनी है डैम्स और ब्रिजेस की फैसिलिटीज देनी है कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हौ और हाउसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल करवानी है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज देनी है, है कि नहीं है अरे भाई मानते हो कि नहीं ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट आपको देती है तो आप कहते हो गवर्नमेंट बहुत अच्छी है लेकिन गवर्नमेंट ये पैसा लाती कहां से है नहीं भाई गवर्नमेंट ये पैसा लाती का ऐसे गवर्नमेंट ने कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर में गई नहीं है कि उसने वहाँ से कमाना शुरू कर दिया और कहा ठीक है हम सपूत होते हैं, जो कमाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है आप कमाते हो हम आपसे रेवेन्यू लेंगे टैक्स के नाम पर जैसे एक घर में अगर पांच मेंबर हैं तो जो कमाने वाला होता है वही तो खर्च करता है अगर दो लोग कमाने वाले हैं तो वो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं फिर उस पैसे से उस घर का हिसाब किताब चलता है यस और नो इन द सेम वे गवर्नमेंट है, आप मेरे लाल पीले हो आप जितना कमाते हो आप हमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दो एज अ टैक्सेस आप हमें कॉन्ट्रीब्यूशन दो एज अ टैक्स हम उस टैक्स को अपनी पब्लिक पर एलोकेट करेंगे या री एलोकेट करेंगे वॉट द केस इट इज बजट के नाम से आप जानते हैं फिलहाल छोड़ देते हैं ज्यादा लंबी बात करने से अच्छा है कि आपको जो चीजें मालूम है उन पर थोड़ा कम रहेंगे क्योंकि आज केवल और केवल जीएसटी का इंट्रोडक्शन है तो आपको केवल कहानी ही सुननी है नॉट मोर देन दैट आपको एक कहानी समझ में आ जाएगी तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आने वाली तो मैंने कहा गवर्नमेंट कहती है कि अब मैं ये पैसा आप लोगों से कलेक्ट करूंगी और मैं आप ही लोगों पर खर्च करूंगी सोचो गवर्नमेंट ने पब्लिक से ही पैसा लिया और पब्लिक पर ही खर्च किया इसी को कहा जाता है जो गवर्नमेंट कमाती है हम ही लोगों से कमाती है इसी को कहा जाता है टैक्स इसी को कहा जाता है टैक्स और गवर्नमेंट ये दो तरीके से कमाती है एक डायरेक्ट टैक्स के नाम पे एक इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे सर हमको थोड़ी और डिटेल में बताइए सर हमको थोड़ा और डिटेल में बताइए ये डायरेक्ट टैक्स क्या है और ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है अब ये गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट करती है भाई आप हमारे कमाऊ पूत हैं आप हमें टैक्स दीजिए दो तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो आपको फील होता है यू कैन फील इट बिकॉज यू आर पेइंग डायरेक्टली आउट फ्रॉम योर ओन पॉकेट दैट्स वाई यू डायरेक्टली यू आर पिंच्ड और इनडायरेक्ट क्या होता है कि आप पे तो कर रहे हो आपको पता नहीं चल रहा आप पेमेंट कर रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा मैं इस पेन को खरीद रहा हूं पेइंग फाइव थाउजेंड अगेंस्ट दिस पेन एज वेल एज टू हंड्रेड अगेंस्ट द टैक्सेस बट द अदर वन पार्टी जिनसे मैं बाय well जिन कर रहा हूं प्लेनली सेइंग दैट पे रुपीज फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड उसने मुझसे कहा पांच हजार दो सौ दे दोसे क्या मुझसे बोला पांच हजार दो सौ दे दो तो मैंने उसको 5,200 ही दिया। नाउ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफ टैक्स नो वन कैन मैं खाना खाता हूं तो टैक्स का पैसा इतना है जब मैं चॉकलेट खाता हूं ये नहीं कहता इस, इस इतनी मिठास इतने रुपए की है, तो इतना कड़वाहट आपके टैक्स का है नॉट एट ऑल ऐसा कुछ नहीं होता तो आप जो पेमेंट करते हो आप टैक्स के साथ पेमेंट कर रहे हो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स बिकॉज आपको वो फील होता ही नहीं कि आप पे कर रहे हो लेकिन आप बचपन से लेकर आज तक कुछ भी खरीदे हो कंज्यूम सर्विस लियो आप टैक्स का पे ऑफ ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स तो दोनों में फर्क समझ में आया इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बंदा था उसके चार बच्चे थे उससे चारों को बुलाया और कहा कि गलती किए थे चारों गलती होती है उससे चारों को लाइन में खड़ा किया और पहले वाले के पास गए दड़ाम से एक घंटा दिया अब वो बच्चा आंखें नीचे करके रह गया क्योंकि उनके पिताजी ने उसको चाटा मारा उसने हिम्मत नहीं की आंख ऊपर करने की ये भी नहीं पूछा गलती है क्या मेरी पिताजी के दूसरे बच्चे के पास उसको भी खींच कर लफाड़ा मारा उस दूसरे बच्चे ने भी थोड़ा सा सर उठाया और पिताजी को देखा और आंखों ही आंखों में पूछने की कोशिश की क्यों आखिर मेरी गलती क्या थी पिताजी तीसरे वाले के पास गया वो तेजी से चमाटा मारा तीसरा वाला गुस्से में आंख ऊपर करके पिताजी को लगा देखने पहला वाला आंख तक नहीं उठाया दूसरे वाले ने हल्की सी आंख उठाकर पिताजी को देखा तीसरे ने बिल्कुल गुस्से में पिताजी को देखा क्यों क्यों मारा <laughs> अब आप समझ सकते हैं फोर्थ फोर्थ की सिचुएशन में क्या हुआ होगा तो यही कहलाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो लास्ट वाले के साथ हुआ वो डायरेक्ट हुआ और जो पहले वाले बच्चे ने आंख तक नहीं उठाई वो इनडायरेक्ट था ठीक है ना वो केवल फील कर सकता था उसका रिएक्शन नहीं दे सकता था तो ये डिफरेंस है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होप सो यू आर गेटिंग दैट जोक था उसको भी आपको समझना चाहिए चलिए तो अब आते हैं वापस टैक्स पर जीएसटी की डायरेक्ट टैक्स में सर कौन कौन से टैक्सेस आते हैं डायरेक्ट टैक्स में आपका आता है इनकम टैक्स आप जितना कमाओगे ना उतना पेमेंट करोगे टैक्स का उसी रेशियो में प्रोग्रेसिव नेचर का होता है जैसे जैसे आप हायर इनकम स्लैब में जाते हो वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स की मात्रा भी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप हायर स्लैब की इनकम में जाते हो हायर इनकम ग्रुप में जाते हो छोटे इनकम में कम टैक्स ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है इनडायरेक्ट टैक्स आपका प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर अप्लाई होता है किस पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर अमीर आदमी ब्रेड खरीदेगा या एक भिखारी ब्रेड खरीदेगा दोनों पर टैक्स की उतनी ही क्वांटिटी होगी उतना ही अमाउंट दोनों को टैक्स का देना है इसीलिए इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम भी कहा जाता है यहां पर अमीर और गरीब नहीं देखा जाता कोई कॉपी एक अमीर बच्चा खरीदता है या कोई कॉपी एक गरीब बच्चा खरीदता है दोनों को टैक्स सेम देना है दोनों में कोई गवर्नमेंट फर्क नहीं करती लेकिन दोनों को यह नहीं पता होता दैट दे आर पेइंग द अमाउंट ऑफ टैक्सेस टू बट वेयर एवर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेशन नॉर्मली इनकम टैक्स इज देयर वेल्थ टैक्स इज देयर एंड गिफ्ट टैक्स तो गिफ्ट टैक्स पूरी तरह एबॉलिश हो चुका है यह इसमें मर्ज हो चुका है और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं आज की डेट में वेल्थ टैक्स भी एक तरह से खत्म हो चुका है ठीक है तो पढ़ने के लिए आपका डायरेक्ट टैक्स में केवल इनकम टैक्स रह गया है जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें अच्छा डायरेक्ट टैक्सेस किसी पर्सन के ऊपर इंपोज किया जाता है किसके ऊपर इंपोज किया जाता है पर्सन के ऊपर इंपोज किया जाता है आई एम अ पर्सन नाउ द डायरेक्ट टैक्स शेल बी इंपोज ऑन अ पर्सन तो इंडिविजुअल होते हैं कंपनी मैंने कंपनी बना ली कंपनी कमा रही है मैं नहीं कमा रहा कंपनी कमा रही मैंने कंपनी बनाई कंपनी कमा रही है तो पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी भी आती है इंडिविजुअल भी आता है एच भी आता है फर्म भी आता है एओपी और बीओ लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आता है ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ द पर्सन वॉट एवर दस वॉट द फॉर्म यू आर फॉर्मिंग फॉर द पर्पज ऑफ योर बिजनेस प्रोफेशन ऑफ वॉट द केस इट इज फ्रॉम एनी वे यू आर अर्निंग देन यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स बिकॉज यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द पर्सन वाइल ऑन द अदर हैंड We are not going to charge the taxes directly on a person. We'll charge directly the amount of taxes on products or services. हम लोग यहां पर डायरेक्टली पर्सन के ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं यहां पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं इसीलिए इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम भी बोला जाता है यहां पर गवर्नमेंट के पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं यहां पर गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं बहुत ही वाइडर टाइप का टैक्सेशन सिस्टम होता है और केवल और केवल इसमें जीएसटी ही कवर नहीं होता साथ ही साथ कस्टम्स एक्ट भी कवर होता है बात समझ में आई तो डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आ गया और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपका जीएसटी और कस्टम्स लॉ भी आया सर बाकी खत्म हो गए अगर मैं बोलूं एक्साइज एक्ट वगैरह एक्साइज लॉ वगैरह खत्म हो चुका है लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स पर ये अभी भी जिंदा है तो एक्साइज लॉ अभी भी काम कर रहा है मैं ऐसा नहीं कहता कि एक्साइज एक्ट पूरी तरह से खत्म हुआ है स्टिल इट इज वर्किंग कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्साइज लॉ का हिस्सा बचा हुआ है कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्साइज लॉ का हिस्सा बचा हुआ है फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं अब आपको क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर लगने वाला टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एज वेल एज कस्टम्स एक्ट होता है कस्टम्स टैक्सेस या उसको हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं टैक्स नहीं बोलते कस्टम ड्यूटी बोलते हैं जबकि अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की तो उस केस में केवल और केवल इस समय इनकम टैक्स ही बचा हुआ है इज इट क्लियर मैंने ये नहीं कहा कि एक्साइज लॉ अब नहीं है स्टिल इट इज देयर अभी भी ये बचा हुआ है ठीक चल सकते हैं आगे चलिए टैक्स के बारे में एक लाइन याद रखिए अ टैक्स इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन टैक्स आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अच्छा इस बार ना मैं इस साल सोच रहा हूं टैक्स गवर्नमेंट को ना दूं कमाया खूब है लेकिन आई डोंट वांट टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस बिकॉज़ इट इज वॉलंटरी नॉट एट ऑल यह वॉलंटरी नहीं होता दिस इज नॉट टाइप ऑफ चैरिटी और डोनेशन इज कंपल्शन ये मजबूरी है अगर आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बनती है यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट ओके ताकि गवर्नमेंट इसको पब्लिक सर्विसेज में यूज कर सके जी, दो तरह के टैक्सेस आएंगे पहला होगा डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स इज अ काइंड ऑफ चार्ज विच इज इंपोज डायरेक्टली ऑन अ टैक्स पेड इंड डायरेक्टली टू पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाई द पर्सन On whom it is imposed. तो जिस बंदे के ऊपर यह टैक्स इंपोज किया जाता है डायरेक्टली वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है जिसके ऊपर ऐसा टैक्स इंपोज किया जाता है क्लियर ये इन दोनों टैक्सेस में एक खास बात होती है अगर मैं बोलू ये डायरेक्ट टैक्स है या इनकम टैक्स है और यह इनडायरेक्ट टैक्स है दोनों में जानते एक खास बात है डायरेक्ट टैक्स बर्डन या ये कह सकते हैं Uh, इसको अगर मैं बोलूं तो इट इज अ टैक्स इंपोज ऑन पर्सन और इसी पर्सन को मैं आगे लिख सकता हूं बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के लिए मैं बोल सकता हूं टैक्स चार्ज ऑन प्रोडक्ट और सर्विसेस और इसकी खास बात यह है कि बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू एनदर अंटिल इट इज कंज्यूम्ड और यूज सर दोनों में फर्क समझाइए यहां पर हम कंफ्यूज हो गए नहीं कंफ्यूज <coughs> मैंने आपको अभी भी बताया ये मिस्टर एक्स है ये मिस्टर वाई है ये मिस्टर जेड है दो मिनट के लिए इसने सामान खरीदा दस हजार का सेल किया बारह हजार में तो इसने इनकम कमाई दो हजार गवर्नमेंट कहती है टैक्स दे दो ट्वेंटी परसेंट ये चार सौ रुपए का ये इनकम टैक्स है कौन सा टैक्स है ये डायरेक्टली एक्स को ही बर्दाश्त करना है बर्दाश्त नहीं कर सकता अब दूर नहीं रह सकता अच्छा दे। ये चार सौ रुपए एक्स ने बर्दाश्त किया अपनी जेब से अब वाई ने जो परचेस किया है एक्स से वो बारह हजार में परचेज किया है दिख रहा है और वाई ने सेल किया सेवेंटीन थाउजेंड में तो इनकम हो गई वाई की फाइव थाउजेंडी परसेंट यानी इनकम टैक्स बन गया यहां पर वन थाउजेंड बात समझ में आई और ये वाई अपनी जेब से देगा द बर्डन ऑफ टैक्स ऑफ एक्स एक्स का बर्डन वाई बर्दाश्त नहीं कर रहा और वाई का भी इनकम टैक्स का बर्डन बर्दाश्त नहीं करेगा इसने परचेज किया सेवेंटीन थाउजेंड में और इसने सेल किया एन थाउजेंड में तो इनकम बन गई इसकी मान लेते हैं इनकम टैक्स है ट्वेंटी परसेंट तो इनकम टैक्स का अमाउंट आ जाएगा टू हंड्रेड नाउ दीज आर द रेस्पेक्टिव अमाउंट विच आर टू बी बोर्न बाय मिस्टर एक्स बाई एंड रेस्पेक्टिवली ऑन दैट इनकम विच दे

इसने सामान खरीदा आठ हजार में ठीक और इसने सेल किया दस हजार में जब सामान खरीदा था इसने तो इस पर इसने टैक्स दिया था एक हजार का चलो छोड़ देते हैं आठ हजार प्लस दो हजार टोटल इसने खरीदा था सामान दस हजार में कितने में खरीदा था देखिए ऊपर मैंने यही लिखा दस हजार सामान कितने में खरीदा था दस हजार में और सेल कर दिया इसने बारह हजार में ये नो पक्का तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई बारह हजार में सेल किए हो और खरीदे थे आप दस हजार में ये जो आपने सेल किया ना ये वाई ने परचेज किया है कितने में बारह हजार में मेरी बात ढंग से इतमिन से सुनेंगे इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने दो हजार रुपए ये टैक्स का माल खरीदते समय पेमेंट किया था वो माल बेचते समय आपने ये दो हजार रुपए एड कर लिया क्योंकि आपने दो हजार रुपए माल खरीदते समय जिससे खरीदा था उसको टैक्स का पेमेंट किया तो अब वो जो माल आप किसी दूसरे पार्टी को बेचेंगे तो बिना टैक्स के तो बेचेंगे नहीं उससे टैक्स लेकर के बेचेंगे इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर बाई ने जो माल खरीदा बारह हजार में उसमें दो हजार रुपए का वो टैक्स पे करके खरीदा जो एक्स ने माल खरीदते समय पेमेंट किया था तो वाई ने भी माल खरीदते समय उस दो हजार का पेमेंट कर दिया अच्छा वाई ने सेल किया इसको सेवनटीन थाउजेंड में बात समझना तो अब ये सत्रह हजार में जो माल बेचा है जेड को तो जेड ने माल खरीदा पंद्रह हजार रुपए में और दो हजार रुपए उस टैक्स का पेमेंट किया जो वाई से खरीदते समय दिया गया था और वाई ने वो टैक्स का पेमेंट एक्स को किया था जो उसने एक्स से माल खरीदते समय दिया था और एक्स ने वो 2000 का पेमेंट उस बंदे को किया होगा जिससे उसने माल खरीदा होगा देखो ना वो दो हजार रुपए का टैक्स एक बंदा दूसरे को ट्रांसफर करता चला जा रहा है एक बंदा दूसरे को टैक्स का बर्डन शिफ्ट करते चला जा रहा है जेड ने यह सामान खरीदा सेवनटीन थाउजेंड में और खा गया उस सामान को क्या किया खा गया या उस सामान को तोड़ डाला या उस सामान को बर्बाद कर दिया या उस सामान को कंज्यूम कर लिया कैसे भी करके अब वो सामान आगे बिक्री के लिए सेल के लिए अवेलेबल नहीं है अब ये सामान फर्दर अवेलेबल नहीं है मार्केट में सेल के लिए तो इसका मतलब जेड ने वो लाइन तोड़ दी गुड्स को कंज्यूम कर लिया और ये टैक्स का 2000 का बर्डन जेड पर जाकर रुक गया अब अगर मैं बोलू इसको कि ये होल सेलर है या चलो ये मैन्युफैक्चरर है ये होलसेलर है ये रिटेलर है और ये कंज्यूमर है ठीक इसने परचेस किया सौ रुपए का सामान और दस रुपए का टैक्स दे दिया दस परसेंट मान लेते हैं दो मिनट के लिए मानकर चलेंगे दस परसेंट तो एक सौ दस का इसने सामान खरीदा और इसने सेल कर दिया दो सौ रुपए में कितने में दो सौ रुपए में और दस परसेंट टैक्स ले लिया यानी दो सौ बीस रुपए हो सकता है चलो दो सौ ना लेकर थोड़ा डिफरेंट फिगर ले लेते हैं यहां ले लेते हैं वन फिफ्टी प्लस टेन परसेंट फिफ्टीन वन सिक्सटी फाइव ठीक है ना तो जरा देखो जरा नहीं पूरा देखना कि इसने सेल किया 165. इसका मतलब ये हुआ बात ढंग से समझे कि जब इसने पंद्रह में माल बेचा तो इसने अपना दस रुपए वो वसूल लिया था जो ऊपर इसने दिया था ऊपर वाला ये वाला दस रुपए वसूल लिया माल खरीदते समय जो दस रुपए दिया था माल बेचते समय पंद्रह रुपए वो वसूल लिया अच्छा अब ये बताओ कि इसने परचेस किया ना किसने होलसेलर ने कितने में सर 150 प्लस 15 165 में खरीदा चलो दो रुपए में दो रुपए में बेचा है इक्कीस रुपए का टैक्स हो गया दो हो गया इसका मतलब कि इस ट्वेंटी वन रुपीज में वो दस रुपए भी शामिल है पहला वाला दूसरा वाला पांच रुपए भी शामिल है और फिर छह रुपए भी शामिल है देखो ना टोटल इक्कीस रुपए हो गया यानी ये पैसा वसूल लिया जा रहा है जितना भी टैक्स हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को वो पैसा आने वाली दूसरी पार्टी से वसूल लिया जा रहा है अब रिटेलर ने खरीदा इसको टू हंड्रेड टेन प्लस ट्वेंटी वन टू थर्टी वन में और इसको बेचा कितने में टू फिफ्टी में तो टेन परसेंट हो गया पच्चीस यानी टू सेवेंटी फाइव अब इस 25 में वो सारे अमाउंट आ गए शुरू से लेकर लास्ट तक टैक्स वाले 10 प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस फोर पच्चीस रुपए आ गया दिख रहा है पच्चीस रुपए कैसे आया अब कंज्यूमर के पास ये सामान पहुंचा 275 में और ये फर्दर यूज नहीं कर पाएगा या इसको फर्दर सेल नहीं कर पाएगा इसको पच्चीस रुपए अपनी जेब से देने पड़े देखो ना अल्टीमेट इंपैक्ट किसके पास पड़ा कंज्यूमर के पास, पास। मैन्युफैक्चरर ने जितना टैक्स पेमेंट किया था वो वसूल लिया इसने इससे वसूल लिया ये यहां टैक्स आ गया ये कलेक्शन हो गया देखो ना एक दूसरे ये यहां चला गया ये यहां चला गया पूरा सीक्वेंस ये बना कि किसी ने बर्दाश्त नहीं किया टैक्स का अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही बर्दाश्त करना पड़ा कहीं और नहीं टू सेवेंटी फाइव में ट्वेंटी फाइव शामिल है ऐसे ही देखो ना सीढ़ी बन गई पूरी कहने का मतलब यह हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टू बी बोर्न बाय दैट पर्सन हु अल्टीमेटली कंज्यूम और यूज इज इट क्लियर जबकि डायरेक्ट टैक्सेस में कोई बर्डन जाता ही नहीं एक से दूसरे के पास तो अब ये लाइन कोई दिक्कत नहीं करेगी ना बिल्कुल नहीं करेगी <coughs> पक्का अभी आएंगे और इसी को क्या कहा गया वैट का नाम दिया गया मैंने कहा आज केवल इंट्रोडक्शन है हो सकता है नेक्स्ट सेशन भी पूरा हमारा इंट्रोडक्शन में ही जाए टेंशन नहीं पाल रहा है आपका बेसिक एक बार मजबूत हो जाएगा ना कहानियां आपको पीछे तक की पता चल जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली अभी तो हम लोग फर्स्ट पेज पर ही हैं देखते हैं क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने बता दिया इफ द टैक्स पेयर इज जस्ट अ का मतलब होता है कॉन्डिट कंडिट का मतलब इट्स अ चैनल Uh, यानी एक माध्यम होता है और हर एक स्टेज पर वो टैक्स के अमाउंट को चार्ज करता है पास ऑन करता है चार्ज करता है पास ऑन करता है चार्ज करता है पास ऑन ये एक चैनल बन जाता है एक सीक्वेंस बन जाता है और कंज्यूमर हु रियली बीर्स द ब्रंट ऑफ इट सच टैक्स इज इन डायरेक्ट टैक्स द अल्टीमेट पर्सन हु बॉर्न दमाउंट ऑफ टैक्स इज कंज्यूमर और यूजर एंड इन डायरेक्ट टैक्स इज वन दैट कैन बी शिफ्टेड बाई द टैक्स पेयर टू समन एल्स ठीक है इट्स इंसिडेंस इज बोर्न बाय द कंज्यूमर हु अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट ऑफ द सर्विसेज द इमीडिएट लाइबिलिटी टू पे द टैक्स मे फॉल अपॉन एनदर पर्सन उससे मतलब नहीं मैंने आपको कहानी पूरी बता दी दिस इज ऑल्सो नोन एज कंजन टैक्स एंड इट इज रिग्रेसिव इन नेचर कोई अमीर है गरीब है सबके ऊपर बराबर तरीके से टैक्स लग रहा है पेंसिल आप खरीदो पेंसिल अमीर का बच्चा खरीदे पेंसिल गरीब का बच्चा खरीदे दोनों के ऊपर टैक्स का अमाउंट इक्वल आएगा तो इसलिए इसको रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहा जाता है फीचर्स क्या है

कि हमने टैक्स दिया है इसीलिए तो इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स है इनफ्लेशनरी सामान का दाम बढ़ेगा टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट की अपने आप बढ़ेगी सामान का दाम कम होगा टैक्स की वैल्यू भी अपने आप कम होगी सामान के दाम के हिसाब से वाइडर टैक्स बेस जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सब पर टैक्स लगता है जब तक कि उनको माफ न किया हो दुनिया भर के सामान है आप कुछ भी देख लो आप अपनी आंखें उठाओ अपने आसपास एक नजर दौड़ाओ आपको समझ में आएगा हर चीज पर आपने टैक्स दे करके ही वो सामान खरीदा है बिना टैक्स दिए आपने एक सामान भी नहीं खरीदा तो कुछ भी जो देख लो जो देख लो अपने आसपास क्लियर प्रमोट सोशल वेलफेयर मैंने बताया ना शुरू में ही देखो गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है और उसको एलोकेट करती है आपसे ही लेकर आपको ही देती है डायरेक्टली से इनडायरेक्टली रिग्रेसिव नेचर बता दिया ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कुछ भी नहीं है अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ जीएसटी पर अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहानी मैंने आपको बता दी है लेकिन ये जो स्टोरी मैंने बताई थी ना अभी ये वाली आई एम जस्ट गोइंग टू यूज द सेम एग्जाम्पल अगेन बट इन अ डिफरेंट वे मैं आपके सामने यही एग्जाम्पल अब पिक करने जा रहा हूं लेकिन इसको एक नए तरीके से आपको बताऊंगा रहेंगे यही डेटा लेकिन तरीका नया होगा उसमें थोड़ा मैं मिर्च मसाला बीच में डालता जाऊंगा ताकि आपको समझ में आसानी से आए तो वो कहलाएगा कंसेप्ट ऑफ जीएसटी यानी कि उसके पीछे का लॉजिक आपको समझाएगा जिस समय आप वो पूरा लॉजिक समझ लेंगे ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आपके कवर हो जाएंगे अभी मैं वही चीज बताने जा रहा हूं ठीक है ना उसके बाद ये चीज आएगी चलिए चलिए एक सिस्टम डेवलप करते हैं हम आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो जाननी बहुत जरूरी हैं बिना उनको जाने अगर आप आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी चलिए ये मिस्टर एक्स है ये वाई है ये जेड है ये मैन्युफैक्चरर है ये होलसेलर है और ये रिटेलर है और लास्ट में मैं लिख दे रहा हूं कंज्यूमर ठीक है फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसने ना सामान परचेज किया सौ रुपए का प्लस इसने इसमें कॉस्ट ऐड की फिफ्टी रुपीज की प्लस इसने इसमें अपना प्रॉफिट ले लिया तीस रुपए का टोटल हो गया वन एट्टी ये हो गई सेल प्राइस प्लस टैक्स लग जाता था इस पर इसको हम लोग नाम देते थे, थे ना पहले ये हम जो आपको बता रहे ना बिफोर वैट सिस्टम या ओल्ड सिस्टम सर ये आप हमको बता क्यों रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाए थोड़ी खड़क खड़क करके खुलेंगे दो मिनट लगेगा लेकिन हाँ आपको पूरी तरह कंसेप्ट समझ में आ जाएगा जरा भी दिमाग में डाउट नहीं रहेगा कि मैंने आपको क्यों समझाया अच्छा। था सेल्स टैक्स गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हमें सेल्स टैक्स दे दो अठारह रुपए यानी टेन परसेंट अच्छा हम इसको पहले नाम देते थे टैक्सेबल वैल्यू या प्राइस टोटल सेल्स प्राइस विद टैक्स कितना हो गया 198 यानी मैन्युफैक्चरर ने बेचा 198 तो होलसेलर ने खरीदा होगा 198 उसके बाद इसने भी बावन रुपए अपना लगाया कॉस्ट और प्रॉफिट ले लिया पचास रुपए का सामान हो गया अब इनके यहां तीन सौ रुपए का टैक्स है दस परसेंट तीस तो रुपए टैक्स लग गया सेल प्राइस हो गई तीन सौ तीस रुपए अब रिटेलर ने खरीदा होगा यह सामान तीन सौ तीस रुपए में बीस रुपए अपनी कॉस्ट ऐड की पचास रुपए इसने भी प्रॉफिट ऐड किया चार सौ का सामान हो गया टोटल हो गया टैक्स चालीस अब अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो कुल मिलाकर यह समझ में आएगा कि हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया टैक्स टू गवर्नमेंट एक्स ने कितना दिया होगा सर अट्ठारह रुपए दिए इसने तीस रुपए दिए इसने चालीस रुपए दिए टोटल मिलाकर अट्ठासी रुपए का टैक्स चला गया ये पहले चलता था सिस्टम इसको हम लोग कहते थे मल्टी पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम बिफोर बैट बिफोर बैट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम था जितनी बार माल बिकता था ना उतनी बार टैक्स लगता था जरा ढंग से देखो जितनी बार माल बिका उतनी बार टैक्स लगा ये कौन सा तरीका होता है भाई ये कौन सा सिस्टम है कि जितनी बार माल बेचोगे उतनी बार टैक्स लोगे और पूरी वैल्यू पर टैक्स लोगे अरे सर गड़बड़ कहा है हम लोग को तो गड़बड़ नहीं समझ में आ रहा है इसमें इसमें कोई गड़बड़ नहीं है चलो अब गड़बड़ देख लेते हैं इसमें क्या गड़बड़ है कितनी बड़ी गड़बड़ थी जरा अब हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं मैंने कहा ना एक बार अगर ये कहानी क्लियर हो गई तो प्रॉब्लम वही की वही डन डना डन डन आपको ज्यादा सोचने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इतमान से समझेंगे ये एक्स है ये वाई है जेड है मैन्युफैक्चर होलसेलर और रिटेलर है ढंग से सुनेंगे अब मैं इसको थोड़े दूसरे तरीके से लिखता हूं देखिएगा आप प्रॉब्लम समझ में आ गई ये है हमारा वैट सिस्टम ये हमारा वैट सिस्टम है वैट सिस्टम का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम अरे अरे ये जब सामान 198 में बिका था ना तो होलसेलर ने 198 का पेमेंट किया था इसका मतलब मेरी बात ढंग से समझेंगे मैं अगर किसी दुकानदार को 198 का पेमेंट कर रहा हूं ये वाला इसका मतलब मैं उसको किस किस चीज का पेमेंट कर रहा हूं मैं उसको इसका 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 और इसका पेमेंट कर रहा हूं इसका मतलब मैंने सामने वाले को यहां पर होलसेलर को 100 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 18 का पेमेंट किया किया पक्का अच्छा फिर फिर रिटेलर इसके यहां से सामान खरीद कर जाता है इसके यहां से होलसेलर के यहां से इसका मतलब यह हुआ कि होलसेलर के यहां से जब रिटेलर सामान होलसेलर के यहां से रीटेलर सामान खरीदेगा, तो थ्री हंड्रेड थर्टी रुपीज का पे करेगा तभी तो उसके लिए कॉस्ट आ गई तीन सौ तीस और इसने खरीदा कितने में तीन सौ तीस में इसका मतलब बेचा तीन सौ तीस में होलसेलर ने इसका मतलब यह हुआ कि तीन सौ तीस रुपए रिटेलर अगर दे रहा है कितनी चीजों का पेमेंट कर रहा था है सर इसका मतलब रिटेलर होलसेलर को इन सारी चीजों का पेमेंट कर रहा है माइंड इट वो सौ रुपए का भी पेमेंट कर रहा है फिफ्टी का भी पेमेंट कर रहा है थर्टी का भी पेमेंट कर रहा है एटीन का भी पेमेंट कर रहा है और साथ ही साथ फिफ्टी टू का भी पेमेंट कर रहा है फिफ्टी का भी पेमेंट कर रहा है और थर्टी का भी पेमेंट कर रहा है इतने सारे पेमेंट कर रहा है वो कर रहा है कंज्यूमर आता है चार सौ चालीस रुपए पे करता है इसका मतलब कंज्यूमर अगर चार सौ चालीस फोर फोर्टी का पेमेंट कर रहा है तो इसका मतलब उसने इन सारी चीजों का पेमेंट किया है हां सर किनका किनका पेमेंट किया है हंड्रेड फिफ्टी थर्टी एटीन फिफ्टी टू फिफ्टी थर्टी प्लस ट्वेंटी प्लस फिफ्टी प्लस ओके इतने अमाउंट का पेमेंट किया और तब तब जाकर चार सौ चालीस रुपया कंज्यूमर ने ये सारे अमाउंट का पेमेंट किया और क्या क्या पेमेंट किया इसमें मैंने जो देखा है ये अट्ठारह रुपए तीस रुपए और चालीस रुपए सर्किल बना ली थी जानते हो क्यों ये वो अमाउंट है जो टैक्स का है ये वो अमाउंट है जो टैक्स का है जरा शुरू से ही देखो अठारह रुपए इधर टैक्स तीस रुपए इधर चालीस रुपए इधर तीन बार का लास्ट में देखो ना सबसे लास्ट में ये अट्ठासी रुपए ये टैक्स का आ गया इतना पेमेंट और अगर ढंग से देखो तो जो अट्ठारह रुपए मेरी बात ढंग से समझेंगे मेरी बात बिल्कुल इतमान से समझेंगे अगर ढंग से समझेंगे तो टैक्स की वैल्यू कितनी थी सर अट्ठारह रुपए यानी दस परसेंट अच्छा अच्छा अट्ठारह रुपए आया कहां से इस 180 का 10 परसेंट अठारह रुपए था इस 300 का 10 परसेंट तीस रुपए था और इस 400 का 10 परसेंट चालीस रुपए था बिल्कुल इतमान जब आपको जादू भी दिखाई देगा जो लोग समझ गए हैं समझ गए है। नहीं तो लोगों को लग रहा है कि सर आप तो ये फालतू बातें बता रहे फालतू नहीं है बिल्कुल मतलब समझना ये फालतू है इतनी मेहनत ऐसे नहीं हो रही है ढंग से दो मिनट पेशेंस रखें हर चीज के पीछे एक लॉजिक है बिना लॉजिक के पढ़ना रटने के बराबर हो जाएगा देखें अभी आपको समझ में आएगा मैंने इतनी मेहनत क्यों की इन चीजों के पीछे ये अट्ठारह रुपए कहां से आया ये अठारह रुपए ये दस रुपए यहां से आया ये पांच रुपए और ये तीन रुपए सब मिला लो तो कितना आ गया तीस okay, okay, रुपए कहां से आया तीस रुपए इस एक सौ अंठानबे का उन्नीस रुपए अस्सी पैसे ये पांच रुपए बीस पैसे और ये पांच रुपए यहां से आया टोटल कर लो तो समझ में आएगा यहां से आया तीस रुपए आश्चर्य होगा यह जानकर कि इस एक सौ पर वन नाइनटी एट पर मैंने फिर से उन्नीस दशमलव आठ नाइनटीन पॉइंट एट रुपीज का टैक्स का पेमेंट किया तभी तो तीस रुपए आया क्योंकि हर एक फैक्टर पर दस परसेंट टैक्स लग रहा है ये उन्नीस रुपए अस्सी पैसे मैंने फिर दस परसेंट टैक्स दिया अरे ऑलरेडी हम अठारह रुपए का टैक्स दे करके यहां पहुंचे थे उन्नीस रुपए अस्सी पैसे कहां से आए मालूम है ये मैंने कहा ना उन्नीस रुपए अस्सी पैसे अब अगर मैं कहूं ये उन्नीस रुपए अस्सी पैसे कहां से आए तो आपको समझ में आएगा ओ इसका दस रुपए इसके पांच रुपए इसके तीन रुपए और इसके एक रुपए अस्सी पैसे मिला करके होते हैं उन्नीस रुपए अस्सी पैसे अरे 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 इसका मतलब ये हुआ कि जो टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं हम उस टैक्स पर दोबारा टैक्स पे कर रहे हैं तीस रुपए तीस रुपए जो टैक्स जा रहा है उस अमाउंट पर जा रहा है जो जिस अमाउंट पर हम ऑलरेडी अठारह रुपए का टैक्स पे कर चुके हैं इस पर हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं अठारो रुपए ये वाला देखो फिर से दे रहे हैं उन्नीस रुपए अस्सी पैसे उस उन्नीस रुपए अस्सी पैसे में वो अठारह रुपए भी शामिल है जो हम ऑलरेडी पे कर चुके पहली बार पे किया अठारह फिर इस तीस रुपए में ये अट्ठारह फिर से शामिल हो गया कहाँ है अट्ठारह सर ये दोबारा ये अट्ठारह रुपए यहां शामिल है क्योंकि यह इन सब का टोटल कितना आ रहा है इन सब का टोटल आ रहा है तीस रुपए ये बनता है तीस रुपये देखो नहीं ये तीस रुपए आ रहा है कि नहीं ये तीस रुपए आ रहा है ये तीस रुपए कहाँ से आया इन तीनों को ऐड कर लो तो तीस रुपए आएगा और उन्नीस रुपये अस्सी पैसे कहाँ से आएगा वो यहां से आएगा यानी ये फिर से जा रहा है उन्नीस रुपये अस्सी पैसे अट्ठारह रुपये दोबारा जा रहा है वो वाला अमाउंट जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं 198 में 18 शामिल है, फिर तीन सौ तीस रुपए में वो दोबारा अठारह रुपए शामिल हो यानी छत्तीस रुपए हमने दोबारा दे दिया अरे उसको तो मारो गोली दो बार अट्ठारह दे रहे हो वो तो गलत था ही था आपको हमसे सेल टैक्स चाहिए था ना टैक्स चाहिए था ना आपने हमसे टैक्स के ऊपर भी टैक्स वसूल कर लिया अरे अरे जो अठारह रुपए आपने हमसे टैक्स वसूल किया था ना उस पर भी आपने हमसे एक रुपए अस्सी पैसे फिर ले लिए दो दो बार टैक्स लिए दो बार अरे भाया इधर जरा देखो तो पता चलेगा तीन तीन बार वो टैक्स लिया वो अट्ठारह रुपए इधर भी इधर भी और इधर भी लिया वो अमाउंट बार बार आएगा केवल अट्ठारह रुपए नहीं यहां पर जो तीस रुपए आया था ना वो दोबारा यहां पर पेमेंट हुआ है तीस रुपए का अरे 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 ये अठारह और तीस दोबारा आ गया और अठारह तीस को मारो गोली अठारह रूपये पर तो एक रुपए अस्सी पैसे आया था तीस रुपए मिला करके ये चालीस अब शामिल होगा सोचो गवर्नमेंट कितना प्रॉब्लम करती थी या कितने गलत तरीके से टैक्स सिस्टम था एक तो एक ही टैक्स मल्टीपल टाइम दिया जाता था दूसरा टैक्स के ऊपर भी टैक्स दिया जाता था जिसको हम लोग कहते थे कास्केडिंग इफेक्ट जिसको हम लोग कहते थे इफेक्ट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे टैक्सेशन सिस्टम में पहले वैट आया वैट ने कहा नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू रिमूव हम दोबारा टैक्स नहीं लेंगे और टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे हम दोबारा टैक्स नहीं लेंगे और टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लेंगे इन दोनों को हम प्रॉब्लम को दूर करेंगे तो उसके बाद आया हमारा वैट और जब वैट आया था ना जिस तरह जीएसटी आने पर लोगों को कई प्रॉब्लम आई उसी तरह जब वैट आया था तो वैट में भी लोग मशाल जलाकर प्रोटेस्ट करते थे वैट आया था शुरू में 2002 या 2003 के आसपास आया अब दिमाग में उतना नहीं है लेकिन जब ये वैट सिस्टम आया तो लोग मशाल सिस्टम निकालते थे मुंह पर पट्टी बांध करके आंदोलन करते थे कई लोग सारे बिजनेसमैन और बड़े बड़े सेमिनार्स होते थे उस समय होटल्स वगैरह में लेकिन लोग इस चीज को अडॉप्ट नहीं कर पाते तो उनको लगता था वो जेल चले जाएंगे अब उनके ऊपर मा, मारा मारी मरेगी पड़ेगी और इंस्पेक्टर राज हो जाएगा पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स और रियुमर्स उड़ाए जाते थे लेकिन जेनविन था उनको नहीं मालूम था कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम खत्म किया जा रहा है टैक्स के ऊपर टैक्स की चीजों को खत्म किया जा रहा है अब हमारे ऊपर वो बर्डन दोबारा नहीं आने वाले समझाने में उन लोगों को टाइम लग गया अच्छा उसी तरह जीएसटी आया तो जीएसटी आते समय भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई आपने लोगों ने देखा होगा उस चीज को बिकॉज वी हेट चेंजेस मोहब्बतें पिक्चर में एक सेंटेंस ना कि वी हेट चेंजेस तो अब मुझे आपको इसको बताना है वैट सिस्टम के तहत कि अगर यही चीज वैट सिस्टम में हो तो क्या होगा यानी एक तरह से देखो तो हमारे प्री रेजिम वैट सिस्टम में दो बहुत बड़ी मेजर इश्यूज थे पहला टैक्स मल्टीपल पॉइंट पर टैक्स सेम अमाउंट ऑफ टैक्स वे रेगुलरली जितनी बार सेल होता था उतनी बार वो टैक्स लगता था सेकंड कि हमारा टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था जिसको हम लोग कहते थे कास्केडिंग इफेक्ट ठीक है ना वो अब नहीं लगेगा कैसे नहीं लगेगा अब मैं इसी क्वेश्चन को इसी डेटा को यहां पर यूज करने जा रहा हूं दोबारा चल रहा है चलो कोई दिक्कत नहीं हमने परचेस किया सौ का सामान हमने इस पर वैल्यू एडिशन की कितनी फिफ्टी रुपीज ढंग से सुनेंगे वैल्यू एडिशन की जिसमें नेट प्रॉफिट और कॉस्ट मिला करके हमारा आ गया पचास ठीक है तो टोटल हो जाएगा वन फिफ्टी प्लस प्रॉफिट मैंने इसमें ऐड किया अच्छा वो भी उसी में ही आ जाएगा वैल्यू एडिशन कॉस्ट एडिशन कर लेते हैं प्लस प्रॉफिट एडिशन दोनों मिलाकर वैल्यू एडिशन दोनों मिला लो तो वैल्यू एडिशन हो जाती है थर्टी टोटल कितना हुआ 180. इसमें हम लोग जीएसटी ऐड कर देते हैं वैट छोड़ देते हैं जीएसटी दोनों का सिस्टम एक ही है एक दूसरे से ही तय हुआ है तो जीएसटी लिखो या वैट लिखो कोई फर्क नहीं होगा ये आ गया सेल प्राइस अच्छा अब दोबारा ये टैक्स नहीं पे होना चाहिए हमने इसको अलग एक लिया वन एट्टी प्लस एटीन इक्वल टू वन ये एट यह टैक्स है अब इसने कितना वैल्यू एडिशन दिया था आप लोगों को मालूम है फिफ्टी टू और फिफ्टी फिफ्टी टू एंड फिफ्टी टोटल एक सौ दो हो गया यानी टू एटी टू और टैक्स आ जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट टू बोलो अब देखो ना पहले तो टैक्स को मैंने हटा दिया ऊपर हिस्सा ही नहीं बना कॉस्ट का तो अब यह कहना कि दोबारा कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना तो इसमें शामिल नहीं होगा नहीं हुआ शामिल बिल्कुल नहीं हुआ अठारह रुपए कम होगा ठीक अच्छा दूसरा कि जब ये टैक्स इस कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना तो दोबारा उस टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं आया एक तो अट्ठारह रुपए गायब हो गया और एक रुपए अस्सी पैसे भी गायब हो गए उन्नीस रुपए अस्सी पैसे गायब हो गए कितने गायब हो गए उन्नीस रुपए अस्सी पैसे सीधे सीधे गायब हो गए आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा चलिए छोड़ देते हैं उसको चले हां सर कितना आ गया टू एट्टी टू प्लस ट्वेंटी एट हो जाएगा थ्री हंड्रेड टेन पॉइंट टू उन्नीस रुपए अस्सी पैसे अगर जोड़ दो तो देखो तीन सौ तीस रुपए आ जाएगा ऊपर वाला लेकिन वो उन्नीस रुपए अस्सी पैसे क्यों गायब हुआ एक तो अठारह रुपए टैक्स दोबारा नहीं देना प्लस टैक्स के ऊपर टैक्स टेन परसेंट वन पॉइंट एट उन्नीस रुपए अस्सी पैसे वो गायब हो गया टोटल मिलाकर आपका बचत हो गया अच्छा अब इसके लिए कॉस्ट कितनी बन गई इसके लिए कॉस्ट हो गई टू एस ट्वेंटी एट पॉइंट टू यानी थ्री हंड्रेड टेन पॉइंट ट्वेंटी अच्छा इसने वैल्यू एडिशन कितनी की थी इसने की थी सत्तर बीस और पचास ना हाँ ट्वेंटी एंड फिफ्टी तो थ्री फिफ्टी टू और इसके ऊपर टैक्स बना थर्टी फाइव पॉइंट टू देखो ना सेल वैल्यू में कितना अंतर आ गया 440 चार की चीज अब तीन रुपए 20 पैसे में सेल हो रही है लेकिन अब देखते हैं गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे गवर्नमेंट ये पे करेगा अठारह रुपए का पेमेंट हुआ बिल्कुल ठीक है ये वाला पेमेंट हो गया इसको पेमेंट करना है ये वाला हिस्सा ट्वेंटी ये पेमेंट करना है ये कहेगा भाई हम वो अमाउंट दोबारा पे नहीं करेंगे जो सामने वाला पे कर चुका है एक सौ अस्सी पे कर रहा हूं तो एक सौ ऑलरेडी हम दे चुके हैं और उस पर टैक्स अठारह रुपए ऑलरेडी दे चुके हैं तो इस 180 पर 18 हम दे चुके हैं तो इस 180 का 10 परसेंट तो इसमें ऑलरेडी शामिल हो गया यानी इस अठारह रुपए जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं टैक्स को इसकी हम आईटीसी ले लेंगे एटीन रुपीज से हम खरीदते समय अट्ठारह रुपए आपको गवर्नमेंट को दे चुके हैं अब बेचते समय हम अट्ठाईस रुपए नहीं देंगे हम अट्ठाईस रुपए में वो अट्ठारह रुपए माइनस करेंगे जो हम ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं फर्स्ट टाइम परचेस करते समय ये जब हमने सामान इनपुट में लिया था ना तो इनपुट टैक्स का पेमेंट किया था क्या टैक्स का पेमेंट किया था इनपुट टैक्स का और ये हमारा कहलाता है आउटपुट टैक्स जब हम सेल करते समय टैक्स का पेमेंट करते हैं तो तो ये हमारा आउटपुट टैक्स है जो मुझे गवर्नमेंट को देना है लेकिन मैं गवर्नमेंट से कहूंगा गवर्नमेंट जी मैंने तो आपको इनपुट लेते समय इनपुट टैक्स दिया था ना मैं उस इनपुट टैक्स की अब मैं क्रेडिट लेने जा रहा हूं जिसको हम लोग शॉर्ट में आईटीसी बोलते हैं क्या बोलते हैं आईटीसी तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम ले लेंगे गवर्नमेंट से कहेंगे भैया हमें ना आपको ना पैसे देने हैं मैं आपको बीस पैसे नहीं दूंगा वो इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि तो मैं हम हम आपको आपको दे चुके हैं ऑलरेडी पैसा ही देंगे यानी गवर्नमेंट को अभी तक केवल अट्ठारह रुपए मिला और केवल दस रुपए बीस पैसे मिला टोटल मिलाकर गवर्नमेंट को दोनों जगह से मिलाकर कितना मिला टोटल मिलाकर उतना ही मिला जितना गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था अट्ठाईस रुपए बीस पैसे देखो ना सो so सिंपल जितना गवर्नमेंट का हिस्सा है, पैसे ले लो जिसमें से अठारह से इनपुट अच्छा. टैक्स कितना बना? बना. अच्छा. कितना बना था ये इनपुट टैक्स था ऑलरेडी पे कर दिया था इसने कहा भाई मुझे आपको देना है गवर्नमेंट को पैंतीस रुपए बीस पैसा जिसमें से हम ऑलरेडी दे चुके हैं अट्ठाईस रुपए बीस पैसा कैसे दिया है अट्ठाईस रुपए बीस पैसा देखो ना इन दोनों ने मिलाकर दिया था पहले वालों ने माइनस कर दो सात रुपए करेगा यानी गवर्नमेंट को अब ये सात रुपए और जाएगा टोटल मिलाकर पैंतीस रुपए बीस पैसे जाने चाहिए गवर्नमेंट के पास और देखो टोटल मिलाकर पैंतीस रुपए बीस पैसे ही आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास जो लास्ट वाला सेल है उसका दस परसेंट गवर्नमेंट को सब मिलाकर दस परसेंट मिल गया तीनों से टोटल गवर्नमेंट को कितना चाहिए था पैंतीस रुपए बीस पैसे देखो ना और गवर्नमेंट को ये पैंतीस रुपए बीस पैसे तीन तरीकों से मिल गया पहले वाले ने अठारह दिया उसकी क्रेडिट दूसरे ने ले लिया दूसरे ने दस रुपए बीस पैसे दिया उस दोनों की क्रेडिट तीसरे ने ले लिया और नेट 7 का पेमेंट कर दिया दैट्स इट इसी को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हम पीछे पेमेंट किए हुए टैक्स का क्रेडिट लेते हैं ना उसको हम लोग एक शॉर्ट टर्म में बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इनपुट टैक्स दिया था आउटपुट के समय उसका डिडक्शन ले लेना होप सो आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आए अब इसमें दोनों प्रॉब्लम खत्म हो गई पहली प्रॉब्लम खत्म हुई आपकी Yani नहीं है ये चीज आपकी इस वैट सिस्टम से या जीएसटी सिस्टम से दूर हुई जीएसटी सिस्टम इज टोटली बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड टैक्स वैट सिस्टम पर ही बेस्ड है तो सर ये वैट और फिर जीएसटी क्यों आया वैट क्यों हटाया गया और जीएसटी क्यों आया आखिर रीजन क्या था अच्छा जब वैट लगता था ना तो वैट भी लगता था ये स्टेट टैक्स था और सेंट्रल गवर्नमेंट का सीएसटी लगता था जिसको हम लोग कहते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी सेल्स टैक्स भी दो थे एक स्टेट और एक सेंट्रल और ये दोनों केवल गुड्स पर लगते थे सर्विसेस के लिए हमारे लिए टैक्स अलग था जिसको हम लोग कहते थे सर्विस टैक्स और उसका कोई एक्ट नहीं था फिलहाल छोड़ देते हैं वो फाइनेंस एक्ट से गवर्न होता था अब ये चीजें गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को क्लब करके एक नया सिस्टम बनाएंगे जिसको हम नाम देने देंगे जीएसटी तो इन सबको मिलाकर एक बनाया गया जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये जाकर अब आपकी कहानी क्लियर होती है जीएसटी आने की सर अलग अलग था फर्क क्या था गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये आपके गुड्स हैं और यह आपके सर्विसेज हैं वॉट आर द डिफरेंसेज बिटवीन दीज टू हम लोग मैटेरियल लगाते हैं सौ रुपए का लेबर लगाते हैं और ओवरहेड्स प्लस प्रॉफिट देते हैं मान लेते हैं दो सौ रुपए का सर्विसेज में केवल लेबर लगता है और ओवरहेड्स लगते हैं दोनों में केवल एक ही फर्क होता है गुड्स और सर्विसेज में एक ही फर्क होता है वो होता है इसका कि गुड्स में मैटेरियल सब्सटेंशियल पोर्शन कवर करता है जबकि सर्विसेज में गुड्स जो है नॉमिनल पोर्शन कवर करता है या नेग्लिगेबल वैल्यू कवर करता है लेकिन फर्क कोई नहीं है दोनों में जब सर्विस टैक्स आ रहा था ना तो लोगों के हाथ पैर फूल गए थे सर्विस पर टैक्स नो वन वॉज बिलीव नोवन मीन आपको आज आसान लग रहा होगा कि हम लोग गुड्स और सर्विस टैक्स की बात बिकॉज वी आर टू एडजस्ट ऑब्जर्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेकिन जब पहली बार किसी ने बोला था सर्विस पर टैक्स लगेगा कोचिंग पढ़ाने पर टैक्स लगेगा डॉक्टर जब अपना पेशा करेगा तो उस समय टैक्स देगा वकील टैक्स देगा एजेंट टैक्स देगा तो को अजीब लगता था हम लोग को लगता था गुड्स कहाँ है कि टैक्स लगेगा मेरी बात समझे लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इन सब चीजों को पार करके वहां तक पहुंची और इंडिया को भी डेवलप्ड कंट्री की अगर कैटेगरी में पहुंचना है तो बट ऑबियस है कि अपने सिस्टम को भी उनके जैसे सिस्टम तक पहुंचाना पड़ेगा तभी हम कॉम्पिटेटिव मार्केट में आगे बढ़ पाएंगे और हमें भी अच्छी तरह मालूम है गुड्स और सर्विसेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है देन टू टू हैव डिफरेंट डिफरेंट लॉज ऑन थिंग्स तो गुड्स और सर्विसेज एक ही चीज होती है दोनों में कोई फर्क नहीं है केवल और केवल मटेरियल के होने और ना होने या कम या ज्यादा होने का ही फर्क है अदरवाइज देर आर नो एनी डिफरें बिटवीन द गुड्स और सर्विसेज एट ऑल तो आज की डेट में ये तो बहुत ज्यादा एडजस्टेबल हो चुका है समझना और समझाना लेकिन पहले अगर कोई यही आपको 20 साल पहले कहता कि मोबाइल आएगा बिना कनेक्टिविटी के अरे मोबाइल आएगा 2000 के पहले अगर कोई बोलता ऐसा कुछ होगा कि अरे लैंडलाइन चलता है बिना तार के उसके 20 साल पहले जाए कोई कहता था 20 तीस साल पहले कि कलर टीवी आएगी या मोबाइल तो वो इम्पॉसिबल लगेगा उस समय चीजें ठीक है ना तो टाइम बीतता है तो वो चीजें एडजस्टेबल हो जाती हैं चलिए ये चीजें तो आपकी ठीक हो गई ना ये था आपका केवल और केवल मुझे आपको सीनेरियो से सेट करना था केवल गुड्स एंड सर्विसेज का ठीक है ना ये हो गया वैट मैंने आपको बता दिया वैट सिस्टम पर बेस्ड है हमारा जीएसटी Continuous chain of tax credit, एक ने जो दिया, दूसरे ने 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 जो जो दिया दिया दूसरे दूसरे ले ले ली ली तीसरे अल्टीमेट कंज्यूमर को ही वो टैक्स बॉर्न करना है नो no पॉइंट मैंने बता दी मैंने क्या कहा एक बार आप लॉजिक समझ जाएंगे तो ये कंसेप्ट ऑफ जीएसटी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा इसको मुझे आपको अलग से पॉइंट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है ना चलिए बेनिफिट्स देख लेंगे यूनिफाइड नेशनल मार्केट आज की डेट में जीएसटी में क्या है पूरा का पूरा इंडिया एक इन वन नेशन वन टैक्स इसका तो स्लोगन ही यही है मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कास्टकेडिंग इफेक्ट खत्म हो गए बता दिया एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेज एंड डबल टैक्सेशन कई सारे टैक्सेस खत्म हो गए एंटरटेनमेंट टैक्स अलग लगता था ट्रेड uh, टैक्स अलग लगता था सी अलग लगता था एक्साइज अलग लगता था पता नहीं कौन कौन से टैक्स आ जाते थे सारे खत्म अब कुछ एक कुछ दो तो सारे टैक्सेस खत्म हो गए बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बट ऑब्वियस जितना ज्यादा सिंप्लिसिटी होगी जितने कम टैक्सेस होंगे उतना ज्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या प्रोडक्शन या सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ेंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को आगे बढ़ेंगे बैंस टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू गवर्नमेंट रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए वाइडर करने के लिए यह सिस्टम बहुत ही अच्छा है वाइडिंग टैक्स इंपैक्ट ठीक है ना यहां से अब मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा पूरा एक सेशन और जाएगा हमको ये कहानी बताने में कहानी बेसिकली मुझे अब आपको जीएसटी के बेसिस पर बतानी अभी तक जो मैं आपको बता रहा था कि जीएसटी क्यों आया कैसे आया वो मैं स्टोरी आपके साथ डिस्कस कर रहा था लेकिन नेक्स्ट सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जीएसटी का सिस्टम रन कैसे करता है आखिर जीएसटी वर्क कैसे करता है हमको किस तरह से उसको देखना है और क्या क्या हमारी स्टडी में है नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय थैंक यू